हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। मैं हूं इंद्रजीत। आज पीहू देखने का बहुत मन था, लेकिन अम्बाला में कहीं भी पीहू नहीं लगी हुई थी। एंड ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेटली मुझे मोहल्ला अस्सी देखनी पड़ी, जो कि बहुत बोरिंग फिल्म है। एंड आई गिव 1 star out of 5 टू मोहल्ला अस्सी। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। मोहल्ला अस्सी टेकन फ्रॉम काशीनाथ सिंह फेमस नॉवल काशी का अस्सी। अस्सी घाट पर, ये काशी का एक अस्सी घाट है जिस पर ये फिल्म बनाई गई है, और उस घाट के आसपास का जो एरिया है उसे मोहल्ला अस्सी कहा जाता है। फिल्म के अंदर मोहल्ला अस्सी एक ऐसे एरिया दिखाया गया है जहां पर हर तरह के लोग रहते हैं। हिंदू फैमिलीज भी रहती हैं, मुस्लिम फैमिलीज भी रहती हैं, लेकिन सनी देओल, जो कि पांडे जी का किरदार निभा रहे हैं, वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो एरिया है उसमें रहते हैं, और वो बहुत कंजर्वेटिव सोच के हैं। उनको लगता है कि हमारी जो संस्कृति आजकल जा रही है, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं और हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो इसके सख्त अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं इसके सख्त, लेकिन वो किसी की सोच नहीं बदल सकती। अपनी सोच के कारण वो अपनी फैमिली को उनकी सफर करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ नया काम नहीं कर सकते, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, वो बोलना भी नहीं चाहते, और सिर्फ संस्कृत उन्हें आती है, जिसके कारण वो संस्कृत टीचर हैं और पुरोहित और पंडित का काम घाट पर करते हैं। अब वो जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर सब पंडित हैं। वो सब फॉरनर्स को अपना घर किराए पे देना चाहते हैं, कुछ जीविका के साधन बनाना चाहते हैं, लेकिन सनी देओल उन्हें भी नहीं करने देते हैं ऐसा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सब ग्रामीण हैं और हमारा ये धर्म है कि हमें इस देश की संस्कृति जिंदा रखनी है। और ये सब सोच के साथ उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है उनकी फैमिली को। और विद द टाइम उन्हें जब लगता है कि अब सिचुएशंस बहुत वर्स हो गई हैं उनके लिए, तो ही क्विट टू द टाइम, और वो अपने आप सोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ साक्षी तंवर उनकी आंखें खोल देती हैं, और इन द एंड वो सब वैसा ही चलता है जैसा चलता है। तो ये स्टोरी है ब्रीफ के अंदर, जो कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिया उन्होंने इस नॉवल से डायरेक्टर ने, और क्या दिखाने की कोशिश की गई फिल्म के अंदर, क्या क्या कवर करने की कोशिश की और क्या क्या छोड़ना चाहते थे। द मैसेज ही वॉन्ट्स टू कन्वे, इवन ही वॉज कन्फ्यूज अबाउट दैट। तो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले की। स्टोरी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, या है भी, लेकिन स्क्रीन प्ले इज वर्स्ट। इतना लेजी और इतना बेकार स्क्रीन प्ले है, इवन डायरेक्टर वाज कंफ्यूज्ड। एमलेस स्क्रिप्ट थी उनके पास, और उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले उतना ही एमलेस बनाया। बिल्कुल धीमा स्क्रीन प्ले है, सुस्ती आएगी आपको पहले सीन से लेकर एंड तक। और बीच में जो ट्रेलर में दिखाया गया था कि बाबरी मस्जिद वाला एक मसला उन्होंने दिखाया, वो दिखाया क्यों, जितना ट्रेलर में है उतना ही फिल्म में सीन लिया गया, या उससे 5-10 सेकंड फालतू का सीन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भी वो भटकते रहे बीच बीच में, कभी मुस्लिम हिंदू का मुद्दा आ गया 1 मिनट के लिए, इससे ज्यादा का नहीं, और फिर से दोबारा वो सनी देओल यानी कि पांडे जी की डेली रूटीन पर आ जाते हैं। सो डायरेक्टर वॉज वेरी कंफ्यूज वाइल राइटिंग द स्क्रीन प्ले, इवन ही वॉज नॉट क्लियर कि उसे कहना क्या था और वो क्या कन्वे करना चाहते थे। फॉरनर्स को लेकर जो हमारी संस्कृति खराब हो रही है, उनके बारे में कुछ बोलना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे, या वो बाबरी मस्जिद वाले मसले के बारे में बताना चाहते थे, या हिंदू मुस्लिम के बारे में बताना चाहते थे। एक तरफ वो हिंदू मुस्लिम को मिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं विद द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म। तो स्क्रीन प्ले इज जीरो, वर्स्ट स्क्रीन प्ले। परफॉर्मेंसेज की अगर बात की जाए तो बहुत मिसकास्ट किया गया है सब कुछ। सनी देओल, जो कि सूट ही नहीं करता था उन्हें, ये रोल उन्हें दिया गया, ना तो अग्रेसिव ही है वो, ना ही कूल भी नहीं है वो, पीसफुल भी नहीं है, तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उनका करेक्टर लिखना क्या चाहते थे और क्या बनाना चाहते थे। साक्षी तंवर का रोल भी कुछ खास नहीं है, ठीक है वो पर्दे पर रहती है मैक्सिमम टाइम, बट फिल्म इतनी बोर करती है आपको कि आप किसी की परफॉर्मेंस को नोटिस ही नहीं कर सकते कि किसी ने अच्छा काम भी किया। लाइक रवि किशन ने, सौरभ शुक्ला इज देयर, बट आप किसी की भी परफॉर्मेंस को नोटिस नहीं करोगे, इस तरह से स्क्रीन प्ले आपको बोर करता है। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो आई गिव 0 out of 5 टू चंद्र प्रकाश द्विवेदी। डायरेक्शन बहुत घटिया डायरेक्शन किया उन्होंने, डायरेक्शन लेस डायरेक्शन कहूंगा मैं इस डायरेक्शन को, तो बहुत बेकार डायरेक्शन है। म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक कुछ नाम ही नहीं है म्यूजिक का फिल्म में, इसलिए मूवी बुरी तरह से डिप करेगी और ये मूवी बिल्कुल चलने वाली नहीं है। किसी भी एज ग्रुप के लोग इस फिल्म को नहीं देख सकते, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो ओल्ड एज हो। ओल्ड एज के लिए ये फिल्म वल्गर है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कंटेंट ऐसा है। यंगस्टर्स के लिए फिल्म बहुत लेजी, सुस्त और 40-50 साल पुरानी फिल्म है। तो एज फाइनल वर्डिक्ट आई गो विद 1 out of 5 टू मोहल्ला अस्सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली फिल्म के रिव्यू या किसी टीजर ट्रेलर रिएक्शन के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।